नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुना ने सुनी लोगों की समस्याएं, सरकार आपके द्वार योजना से करवाया अवगत। जनपद के घनसाली स्थित बाल गंगा डिग्री कॉलेज सेंदुल केमर के वार्षिकोत्सव समारोह में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर महाविद्यालय में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुना ने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोगों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ लोग ले रहे हैं। साथ ही लोगों को योजना के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। नैनीताल माल रोड पर मामूली विवाद पर जमकर चले लात घूसे वीडियो वायरल। सरोवर नगरी नैनीताल की माल रोड पर मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि मामला हाथापाई तक जा पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों ने हरियाणा से नैनीताल घूमने पहुंचे पर्यटकों की जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कसी कमर, कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स। भाजपा महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति की पहली बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। वहीं कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि पार्टी इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी। प्रकाश राम ने छोड़ा गांव। गंगोली हाट हत्याकांड बाद दहशत में प्रकाश राम छोड़ा घर गांव, ससुराल में ली शरण। पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट के बोसुम गांव में चौरी हत्याकांड से हर कोई दहला हुआ है। यहां संतोष राम ने अपने चचेरे भाई प्रकाश राम के परिवार को मौत के आगोश में सुला दिया था। आरोपी संतोष राम ने अपनी चचेरी ताई भाभी विवाहित बहन के साथ अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद वो फरार हो गया था। इस हत्याकांड के बाद से गाँव एक PSC की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। वहीं हत्या के बाद प्रकाश राम ने अपना घर और गाँव छोड़ दिया। दो दिनों तक दहशत में रहे प्रकाश राम के परिवार ने गाँव छोड़कर अपने ससुर के यहाँ कुठेरा गाँव में शरण ली है। CISCE रिजल्ट्स 2023। दसवीं में आदि गुप्ता ने किया उत्तराखंड टॉप। CM धाम ने दी सभी छात्रों को बधाई। CISCE की दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। CISCE की दसवीं में आदि गुप्ता ने उत्तराखंड टॉप किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम ने ICSE दसवीं और ISC बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों को बधाई दी है। दून में डॉक्टरों का हैरत अंगेज कारनामा। 91 साल की महिला की सर्जरी, शरीर से निकाला 1.5 किलो का ट्यूमर। पौड़ी में रहने वाली 91 वर्षीय गणेश देवी का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि यह ट्यूमर एक पैरोटिड ग्रंथि में बड़े आकार की थी, जो कि एक अति दुर्लभ मामला है। डॉक्टरों ने कहा कि पैरोटिड ग्रंथि में आमतौर पर 50 ग्राम से 100 ग्राम तक का ट्यूमर ही देखने को मिलता है, लिहाजा है कि इस बेहद पेचीदा था। श्रीमंत इंद्रेश अस्पताल के कैंसर सर्जरी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग के सुपरविजन में सर्जरी की गई। 91 वर्षीय गणेशी देवी के गले से 1600 ग्राम का कैंसर ट्यूमर निकालकर कैंसर सर्जरी में एक नई मिसाल पेश की है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल के विस्तार पर असमंजस, विधायक बोले हाईकमान के आदेश का करेंगे पालन। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद मंत्री पद किसे दिया जाएगा, इस पर असमंजस की स्थिति है। इस मामले पर भीमताल विधानसभा के विधायक राम सिंह क्याड़ का बयान आया है। उन्होंने कहा मामले में फैसला हाईकमान करेगा। ऋषिकेश में रोडवेज बस चालक के साथ मारपीट। लक्सर में युवक को अधमरा कर आरोपी फरार। मुनि की रेती थाना क्षेत्र के तपोवन में रोडवेज बस ड्राइवर की राफ्ट चालक और गाइड के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान राफ्ट चालक और गाइड ने मिलकर रोडवेज बस के ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित ड्राइवर की तहरीर पर पुलिस ने चालक और गाइड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर लक्सर में युवक को अधमरा छोड़कर आरोपी फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 76 सालों में पहली बार फयाट नौला गांव पहुंचा प्रशासनिक अमला, सुनी लोगों की समस्याएं। ताड़ी खेत ब्लॉक के फयाट नौला गांव में आजादी के 76 सालों में पहली बार प्रशासनिक अमला पहुंचा। पहली बार प्रशासनिक अमले को अपने बीच पाकर ग्रामीण काफी खुश नजर आए। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने दिल खोलकर अपनी बात रखी, साथ ही अधिकारियों को यहां के समस्याओं के बारे में भी अवगत करवाया। ग्रामीणों ने अधिकारियों से गुलदार से निजात दिलाने की मांग की है। 3 शराबियों ने महिला तीर्थयात्री से की बदसलूकी, पुलिस ने काटा चालान। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा अपने पीक पर चल रहा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। कई लोग बड़ी श्रद्धा भाव से यात्रा कर रहे हैं, वहीं कुछ का उद्देश्य मात्र यात्रा के दौरान हुदंग करना होता है। श्रीनगर पुलिस ने ऐसे ही 3 युवकों को धर दबोचा। तीनों युवकों के साथ यात्रा करने वाली महिला यात्री ने शराब पीकर हुदंग करने की शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम में की थी। पहाड़ के युवाओं में बढ़ रहा बॉडी बिल्डिंग का क्रेज, NPC चैंपियनशिप में पहुंचे सैकड़ों प्रतिभागी। पूरे देश में बॉडी बिल्डिंग की NPC सीरीज चल रही है, जिसके तहत सभी प्रदेशों में स्टेट चैंपियनशिप के आयोजन किया जा रहा है। इन चैंपियनशिप में जो बॉडी बिल्डर बेहतर प्रदर्शन करेगा वह पंचकुला में होने वाले नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेगा। इस कड़ी में देहरादून में उत्तराखंड चैंपियनशिप हुई, जिसमें राज्य के सभी जिलों से बॉडी बिल्डर्स युवाओं ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया। चैंपियनशिप आयोजित करने में उत्तराखंड फिजिकल अलायंस ने अहम भूमिका निभाई है।
अवैध निर्माण पर एक्शन। उत्तराखंड में अवैध धार्मिक निर्माण पर एक्शन। 334 मजारों के साथ 33 मंदिर पर भी चला बुलडोजर। उत्तराखंड में अवैध धार्मिक निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मजारों के साथ ही अवैध मंदिर संरचनाओं को भी ध्वस्त किया जा रहा है। अभी तक 33 मंदिरों को ढाया जा चुका है। ये मंदिर अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर बनाए गए थे। इसके अलावा 334 अवैध मजारों पर कार्रवाई की जा चुकी है। केदारनाथ में बर्फबारी। केदारनाथ धाम में गिरे बर्फ के फाहे, नजारे देख हो जाएंगे मदहोश। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फ के फाहे गिर रहे हैं, जिससे नजारा मनमोहक और खूबसूरत हो गया है। बर्फबारी के चलते केदारनाथ यात्रा प्रभावित हो रही है। लगातार मौसम खराब रहने के कारण केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में भी कमी आ रही है। वहीं केदारनाथ धाम पहुंचे यात्री बर्फबारी के बीच ही बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। दहेज के लिए विवाहिता से मारपीट, ससुरालियों ने किया प्रताड़ित, चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हरिद्वार के लक्सर में एक विवाहिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। विवाहिता ने अपने शौहर समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने उसके शौहर समेत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। ऋषिकेश बैराज जलाशय में मिला युवती का शव, क्षेत्र में मचा हड़कंप। बैराज जलाशय में युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एसडीएफ की टीम ने बैराज जलाशय से युवती का शव बाहर निकालकर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। बारिश के बाद खुशनुमा हुआ तुंगनाथ घाटी का माहौल, सुंदरता को लगे चार चांद। तुंगनाथ घाटी के भूभाग को प्रकृति ने अपने वैभव का भरपूर दुलार दिया है। इसी कारण तुंगनाथ यात्रा के आधार पर शिव चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया है। तुंगनाथ घाटी को पग पग प्रकृति ने नव नवेली दुल्हन की तरह सजाया हुआ सवारा है, इसलिए तुंगनाथ घाटी में वर्ष भर सैलानियों का आवागमन जारी रहता है। यूपी निकाय चुनाव में पौड़ी की बेटी का जलवा, सुषमा खरकवाल बनी लखनऊ मेयर। यूपी निकाय चुनाव में पौड़ी की बेटी ने दम दिखाया। मूल रूप से कोटद्वार के हल्दुखाता भावर की रहने वाली सुषमा खरकवाल लखनऊ मेयर का चुनाव जीत गई हैं। मोबाइल चोरी करने और खरीदने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, एक शातिर भी चढ़ा हत्थे। पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले और उससे मोबाइल खरीदने वाले आरोपी को दबोचा है। उधर चोरी के मोबाइल को गिरवी रखकर स्मैक बेचने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। वहीं तीनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर सलाखों के पीछे भेज दिया। बेटे के पकड़े जाने के बाद में महिला ने नहीं छोड़ी तस्करी, चरस के साथ गिरफ्तार। लालकुआ कोतवाली पुलिस ने नशे के कारोबार का खुलासा करते हुए महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस टीम ने करीब 400 ग्राम चरस और 12,000 नकदी बरामद की है। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर में परचून की दुकान की आड़ में चरस की तस्करी कर रही थी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।